नमस्कार, मैं प्रिया। आज 26 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना सहित प्रमुख शहरों से दूसरे राज्यों के लिए चलेंगी बस सेवा। जारी हुआ बिहार बोर्ड परीक्षा का पैटर्न। आशा कार्यकर्ता बिहार के 32 जिलों में चलाएंगी विशेष अभियान। अटल सम्मान समारोह में सुशांत, उदित श्रेयसी सहित 16 हस्तियों को किया गया सम्मानित। नए साल के जश्न पर रहेगा पुलिस का पहरा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना सहित प्रमुख शहरों से दूसरे राज्यों के लिए चलेगी बस सेवा। पटना सहित प्रमुख शहरों से जल्द ही बस की सेवा दूसरे राज्यों के लिए शुरू होने वाली है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसको लेकर कार्य योजना बना ली है। इतना ही नहीं, कुछ रूटों पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। बसों की संख्या और रूट का निर्धारण वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जाएगा, ताकि अगले साल से बसों का परिचालन शुरू हो जाए। निगम अधिकारियों की माने तो पटना सहित राज्य के कई प्रमुख शहरों से अभी देश के अन्य राज्यों के लिए बसें नहीं चल रही हैं। अगर चल भी रही हैं तो उसकी संख्या काफी कम बताई गई है। वहीं कई ऐसे रूट हैं जहां यात्रियों की संख्या अधिक देखी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक आकलन भी किया गया था, जिसमें ही पटना के अलावा राजगीर, बोधगया, दरभंगा, सहरसा, बक्सर, औरंगाबाद, छपरा, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, सासाराम आदि जिलों से और बसें चलाने की आवश्यकता बताई गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा की। बिहार से निकले जाने माने अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा का जन्म साल 1960 को बिहार में हुआ था। अखिलेंद्र मिश्रा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन चरित्र अभिनेता हैं, जिन्हें 1990 के दशक की दूरदर्शन फैंटेसी टेलीविजन श्रृंखला चंद्रकांता में क्रूर सिंह के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में 1999 की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म सरफरोश में मिर्ची सेठ का चरित्र शामिल है। उन्होंने अकादमिक पुरस्कार नामांकित फिल्म लगान में भी अर्जुन का किरदार निभाया था। उन्होंने हिंदू महाकाव्य रामायण के 2008 के टेलीविजन रूपांतरण में दानव राजा रावण की भूमिका भी निभाई थी। मिश्रा ने 1995 में रिलीज हुई वीरगति में सलमान खान के साथ प्रतिपक्षी की भूमिका भी निभाई थी। बिहार में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की होगी संविदा पर बहाली। बिहार में सभी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के लिए अहम सूचना। जल्द ही सभी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को बिहार में संविदा पर बहाल करने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे कर्मियों को दोबारा से काम करने का मौका मिलने वाला है। जिसके तहत चुनिंदा पुलिसकर्मियों के संविदा पर नियोजन के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2021 के बीच जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वैसे इच्छुक पुलिसकर्मी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय के कार्मिक और कल्याण विभाग के दिशा निर्देश के तहत संविदा नियोजन उसी पद के लिए होगा जिस पद से संविदा कर्मी रिटायर हुए हैं। संविदा पर 19 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को लिया जाएगा, जिन पर कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से 31 दिसंबर तक आवेदन देने की मांग की है। बिहार में नए साल में बदला दिखेगा प्रशासन। बिहार में नए साल में प्रशासन पूरी तरीके से बदला नजर आने वाला है, क्योंकि बिहार में नए साल में कई सरकारी महकमों की जवाबदेही नए अधिकारियों के पास होने वाली है, क्योंकि आधा दर्जन से अधिक अधिकारी रिटायर होने वाले हैं और 2-3 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं। नए साल के शुरुआत में नए मुख्य सचिव के आने के संभावना जताई जा रही है। दो बार की अवधि विस्तार के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण 31 दिसंबर को आखिरकार रिटायर हो रहे हैं। चर्चा यह है कि विकास आयुक्त आमिर सुभानी को नया मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। ऐसा होने पर विकास आयुक्त के पद पर किसी नए अधिकारी को तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही राजेश भूषण का नाम भी अगले मुख्य सचिव के रूप में लिया जा रहा है। जारी हुआ बिहार बोर्ड परीक्षा का पैटर्न। बिहार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 24 फरवरी 2022 के बीच आयोजित होने जा रही है। इसको लेकर ही बोर्ड ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं इसी बीच बिहार बोर्ड ने एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है। इससे छात्रों को काफी मदद मिल जाएगी। बोर्ड की तरफ से जारी किए गए एग्जाम पैटर्न के अनुसार इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक के सभी विषयों को कोड के अनुसार बांटा गया है। सभी छात्र बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर अपनी नजर बनाकर रख सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के हर प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन होंगे। छात्रों को हर सेक्शन के प्रश्न अटेम्प्ट करना होगा। दिल्ली में माननीय चखेंगे भागलपुर की कतरनी का स्वाद। मकर संक्रांति के मौके पर अगले साल दही चूड़ा और तिलकुट का भोज होगा। इसके लिए बिहार भवन से 200 किलो कतरनी चूड़े की मांग की गई है, जिसके बाद दिल्ली में माननीय भागलपुर की कतरनी चूड़ा का स्वाद चखने वाले हैं। 10 जनवरी तक चूड़ा बिहार भवन पहुंच जाएगा। गया से खस्ता तिलकुट बिहार भवन जाएगा। जिला प्रशासन ने उच्च क्वालिटी का कतरनी चूड़ा बिहार भवन भेजने की जिम्मेदारी जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा को दे दी है।
चूड़ा तैयार कराने से लेकर बिहार भवन भेजने तक की जिम्मेदारी जिला कृषि पदाधिकारी को दी गई है। बिहार भवन तक चूड़ा पहुंचवाने का जिम्मा आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह और पौधा संरक्षण विभाग के कामदार प्रद्युम्न कुमार शाह को भी सौंपी गई है। SSC CGL परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। नए साल अब बस कुछ ही दिनों दूर है। वहीं नए साल आने से ही कुछ दिनों पहले ही कर्मचारी चयन आयोग ने प्रतियोगी को बड़ी सौगात दी है। इसको लेकर आयोग ने CGL परीक्षा यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2021 की भर्ती निकालकर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बाद अब ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी 2022 तक लिया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत केंद्र सरकार के रेलवे, वित्त, CAG, सूचना प्रौद्योगिकी सहित अनेक विभागों में अलग अलग पदों की भर्ती निकाली है। प्रतियोगी काफी समय से इस भर्ती के निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके बाद CGL 2021 टीयर 1 की परीक्षा अप्रैल महीने में आयोजित किए जाने की संभावना है। नए साल के जश्न पर रहेगा पुलिस का पहरा। नए साल के मौके पर आमतौर पर जश्न का माहौल होता है, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही बिहार में नए साल के जश्न पर रोक टोक लगाने की तैयारी हो रही है, जिसके कारण ही नए साल के जश्न पर बिहार पुलिस का कड़ा पहरा होने वाला है। बिहार के मुख्य तीर्थ स्थल और टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ राजधानी पटना के पार्क, जू, दियारा क्षेत्र के साथ साथ सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर और शराबबंदी कानून के तहत सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। मद्य निषेध कानून के तहत शराब तस्करों की धरपकड़ के लिए भी पुलिस इस दौरान छापेमारी करेगी। छापेमारी का यह अभियान 27 दिसंबर से 1 जनवरी की रात तक चलाया जाएगा। इसमें राजधानी के होटल, क्लब, गेस्ट हाउस, लॉज और अपार्टमेंट सहित पार्कों और अन्य जगहों पर पुलिस सघन तलाशी करेगी। बिहार में कोरोना की मॉनिटरिंग के लिए 80 अधिकारियों की 6 टीम तैयार। बिहार में कोरोना की मॉनिटरिंग के लिए 80 अधिकारियों की 6 टीमों को तैनात कर दिया गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 6 टीम बनाई है, जो कोरोना संक्रमण की निगरानी के साथ अस्पतालों की व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। सबसे अहम बात यह होगी कि इस टीम को जिले की हर सूचना तत्काल DM को देनी होगी, यानी कि अब रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही संबंधित जिले के DM को इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से देनी होगी। जारी आदेश में यह भी साफ कहा गया है कि संक्रमण की मौजूदा स्थिति और संभावित वेव को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम की व्यवस्था बनाई जा रही है। दूसरी लहर के बाद एक बार फिर से कोशांग बनाने का काम किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण के अशोक स्तंभ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लौरिया, जहां ऐतिहासिक अशोक स्तंभ स्थापित है। सम्राट अशोक ने अपने द्वारा लगवाए गए सभी शिलालेख और स्तंभों में मानव मूल्यों में उच्च नैतिकता को बरकरार रखने के लिए अपने संदेश अंकित किए थे। स्तंभ पर 41 पंक्तियों में नागरिकों को मानव धर्म का पालन करने और मित्रता का संदेश अंकित किया गया है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 साल बाद यह धर्मलेख 6 ठोस पत्थरों के स्तंभों पर लिखवाया था। इस धर्मलेख स्तंभ का वजन 34 टन है, जबकि इसकी ऊंचाई 36.5 फीट है। स्तंभ के ऊपर सिंह नहीं है, जो शायद जाने के कारण कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। दिव्यांग छात्रों का एडमिशन नहीं लेने पर स्कूलों की अब खैर नहीं। बिहार के ऐसे स्कूलों पर अब कार्रवाई तय है जो दिव्यांग छात्रों का नामांकन नहीं लेते हैं, क्योंकि अब ऐसे स्कूलों पर बिहार सरकार ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ऐसे स्कूलों का NOC भी वापस ले सकती है। हाल ही में कई निजी स्कूलों की शिकायत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पास पहुंची है। ऐसे में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से राज्य भर के स्कूलों को पत्र जारी करके इस बात की जानकारी दे दी गई है। समग्र शिक्षा के तहत हर तरह के बच्चे एक जैसे स्कूल में पढ़े, लेकिन कई निजी स्कूल के मनमानी करने की शिकायत भी सामने आ रही थी, लेकिन निगम के अनुसार स्कूलों को दिव्यांग बच्चों के पढ़ाने की पूरी व्यवस्था करनी है। साइंस सिटी भवन निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट साइंस सिटी के निर्माण को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, जिसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद अब जताई जा रही है, क्योंकि राजधानी पटना के राजेंद्र नगर के मोनिहुलक स्टेडियम के पास APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी भवन का निर्माण तेज गति से चल रहा है। भवन निर्माण विभाग द्वारा साइंस सिटी भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामबाबू की माने तो साइंस सिटी भवन का सिविल वर्क 7% से अधिक पूरा हो गया है और जून 2022 तक इसे 100% पूरा कर लिया जाएगा। ये साइंस सिटी 15 एकड़ भूमि पर तैयार हो रही है, जिसमें 30,000 स्क्वायर मीटर में G+1 बिल्डिंग बनाई जा रही है। इस भवन की आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2019 में ही रखी थी और इस परियोजना की कुल लागत 400 करोड़ रुपए है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साइंस सिटी भवन में 5 दीर्घा अलग अलग थीम पर आधारित है।
बिहार में भले ही ठंड से अभी राहत, लेकिन 27 के बाद कपकपाती ठंड के लिए हो जाए तैयार। बिहार में अभी पुरवैया हवा का प्रवाह जारी है, जिसके कारण राज्य भर के मौसम में बदलाव के आसार हैं, जिसके कारण 2-3 दिनों तक रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, लेकिन 27 दिसंबर के बाद कपकपाती ठंड के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 30 दिसंबर तक बारिश के आसार कई जिलों में है। बादल छाने और बारिश होने पर सूबे के शहरों का अधिकतम तापमान तेजी से नीचे आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी कर कहा गया है कि 3 दिनों तक सूबे में शीतलहर की स्थिति रह सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान में कमी की स्थिति अगले एक हफ्ते तक बनी रहेगी, जिससे 30 के बाद भी शीतलहर जैसा एहसास रहेगा। अभी सूबे में मौसम शुष्क और स्थिर बना हुआ है। जदयू जल्द ही दिल्ली में चलाएगा समाज सुधार अभियान। बिहार में भले ही जदयू पार्टी की राजनीतिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा हो, लेकिन जदयू अपना जनाधार अन्य राज्यों में बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत जदयू आगामी चुनाव में अन्य राज्यों में भी सहभागिता दिखाने वाली है। इसी बीच अब जदयू की नजर दिल्ली के नगर निगम चुनाव पर है। इसको ध्यान में रखते हुए ही जदयू ने दिल्ली में भी समाज सुधार अभियान की शुरुआत करने की बात कही है, जिसमें प्रमुखता से शराबबंदी को शामिल किया जाएगा। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बिहार की तर्ज पर जदयू दिल्ली में भी शराबबंदी अभियान चलाने की बात कही है। दिल्ली के लोगों में नीतीश सरकार के प्रति बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है, इसलिए जदयू ने दिल्ली में नगर निगम चुनाव लड़ने का भी निर्णय लिया है। बिहार के विकास के लिए नाबार्ड देगा 3,000 करोड़ का ऋण। बिहार सरकार बिहार में विकास को प्राथमिकता देती आई है। इसी कड़ी में अब सरकार को विकास के लिए नाबार्ड की तरफ से ही 3,000 करोड़ का ऋण मिलने वाला है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इसका ऐलान किया है, जिसके बाद नाबार्ड की तरफ से मिल रहे इस ऋण की मदद से बिहार को विकसित करने का काम किया जाएगा, जिससे विकसित भारत के सपने को भी बड़ी उम्मीद मिलेगी। इसको लेकर नाबार्ड के जीएम ने भी जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि कोरोना का अर्थव्यवस्था पर कुछ न कुछ प्रभाव देखने को जरूर मिला है, लेकिन उन सब के बावजूद कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यह सौभाग्य है कि मॉनसून अच्छा रहा, साथ ही वर्तमान वित्त वर्ष में भी अर्थव्यवस्था में सुधार के कई संकेत मिल रहे हैं। अटल सम्मान समारोह में सुशांत उदित श्रेयसी सहित 16 हस्तियों को किया गया सम्मानित। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 57वीं जयंती की पहली संध्या पर भाजपा के कला और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की तरफ से पटना में राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए उन्हें राष्ट्रीय अटल सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सुप्रसिद्ध गायक उदित नारायण, भोजपुरी के स्टार रहे कुणाल सिंह, लोक गायिका कल्पना पटवारी, कल्पना प्रिया, खिलाड़ी सह विधायक श्रेयसी सिंह समेत 16 बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, स्वास्थ्य क्षेत्र के डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह और धार्मिक क्षेत्र के आचार्य किशोर कुणाल को भी अटल सम्मान से नवाजा गया। आपको बता दें कि राजधानी के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को चयनित कर बुलाया गया था। आशा कार्यकर्ता बिहार के 32 जिलों में चलाएंगी विशेष अभियान। बिहार के 38 में से 32 जिलों में कालाजार मरीज की खोज को लेकर के अभियान तेज किया जाना है। इसको लेकर के बिहार सरकार तो तत्पर होकर काम कर ही रही है। अब इस मुहिम में सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की मदद लेने की बात कही है, जिसके तहत ही अब यह आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर कालाजार मरीज खोजो अभियान की शुरुआत करने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार गया, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और जमुई में पिछले कुछ सालों से कालाजार का प्रभाव नहीं है, इसीलिए इन जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में रोगी की खोज की जा रही है। अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर मरीजों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि एक आशा कार्यकर्ता द्वारा प्रतिदिन मात्र 50 घरों में ही खोज की जानी है। अधिकतम 250 घरों में रोगी खोज करने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 200 रुपए का भुगतान किया जाएगा। बिहार झारखंड के बीच रेलवे लाइन के किनारे इतनी किलोमीटर लंबी खड़ी होगी दीवार। बिहार के औरंगाबाद जिला स्थित बंधुआ तक रेलवे लाइन रेलवे ट्रैक के दोनों किनारों पर दीवार खड़ी करने का काम शुरू हो चुका है। मेरी जानकारी के अनुसार हावड़ा से नई दिल्ली तक ट्रेनों की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे हो चुकी है। आने वाले कुछ सालों में इस रूट पर ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। यही कारण है कि धनबाद रेल मंडल के प्रधान खंता से बंधुआ तक 200 किलोमीटर रेल मार्ग पर 160 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलाने के काम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दीवार बनाने का काम होने वाला है, ताकि दुर्घटना रहित ट्रेन चलाई जा सके। यही कारण है कि अब इस पूरे रेल मार्ग पर ट्रैक के दोनों किनारे दीवार खड़ी होगी। इसको लेकर रेलवे लाइन के पास सैकड़ों दुकान, मकान और ऊंची इमारतें जो आ रही थी उन्हें भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है।
अब बाढ़ आने पर ट्रेन नहीं होगी रद्द, इस तकनीक से बना है नया पुल। अब बिहार में बाढ़ से ट्रेनें रद्द नहीं होंगी। समस्तीपुर रूट पर चलने वाली ट्रेनों के परिचालन की समस्या हल हो गई है। बता दें कि समस्तीपुर शहर के बीचों बीच से बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी पर नया पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल को पुराने पुल के काफी ऊंचा बनाया गया है। इसको लेकर कहा गया है कि ये पुल काफी ऊंचा बनाया गया है, जिससे भीषण बाढ़ आने पर भी पुल के आसपास नदी का पानी नहीं पहुंचेगा। आपको ये भी बता दें कि बूढ़ी गंडक पर 182.80 मीटर लंबा दूसरा पुल बना है। रेलवे के निर्माण विभाग ने पुल के निर्माण निरीक्षण के लिए CRS के पास पुल से संबंधित सभी कागजात भी जमा कर दिए हैं। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि जनवरी में CRS पुल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि अनापत्ति दिए जाने पर पुल का दोहरी लाइन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि 20 करोड़ रुपए से यह पुल बनाया गया है। पुल की आधारशिला 2019 फरवरी महीने में रखी गई थी। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का हुआ ऐलान। बीते दिन पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देश को क्रिसमस की बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पैनिक ना करें, ये समय सचेत रहने का है। आज पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ रहा है, मास्क का उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धोना ना भूलें। इसके साथ ही मोदी ने देश के नाम संबोधन में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 15 से 18 साल की आयु के बच्चों के लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा। 3 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी ने बूस्टर डोज की शुरुआत का ऐलान भी किया, जिसके बाद अब देश में बूस्टर डोज की शुरुआत 10 जनवरी से होगी, यानी कि अब ओमिक्रॉन से बचने के लिए तीसरा डोज लेना अनिवार्य कर दिया गया है। तेजस्वी की शादी को लेकर सम्राट चौधरी ने कसा तंज। तेजस्वी की शादी को भले ही समय गुजर गया हो, लेकिन उनकी शादी की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे में लगातार हो रही है। कोई उन्हें लोहिया के आदर्शों पर चलने की बधाई दे रहा है तो कोई उनके इस निर्णय पर तंज कस रहा है, क्योंकि तेजस्वी की शादी अंतरजातीय हुई है। इसी कड़ी में अब भाजपा ने भी जदयू के खिलाफ बड़ी बात कह दी है, जिसके तहत पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी की शादी और जातीय जनगणना को एक साथ जोड़ते हुए बड़ा हमला बोला और कहा कि जातीय जनगणना के मसले पर जदयू और भाजपा मिल बैठकर सब कुछ तय कर लेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ने जाति बंधन तोड़ते हुए शादी की है, अब उन्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जातीय जनगणना बिहार में होगी या नहीं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह यादव ने जिस तरह जाति बंधन तोड़कर शादी की, उसी रास्ते पर तेजस्वी यादव भी है। वसीम जाफर ने बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए चुनी प्लेइंग 11। टीम इंडिया रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलने के लिए तैयार है। वसीम जाफर ने इस टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। वसीम जाफर ने अपने प्लेइंग 11 में 7 बल्लेबाजों को जगह दी है। वसीम जाफर ने पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से गुजर रहे अजिंक्य रहाणे को प्लेइंग 11 में जगह दी है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने ESPN क्रिक इन्फो से बातचीत में KL राहुल और मयंक अग्रवाल को बतौर ओपनर चुना है। उन्होंने पिछले कुछ समय से फॉर्म की तलाश कर रहे चेतेश्वर पुजारा को नंबर 3 पर रखा है। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली को चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर अजिंक्य रहाणे ने छठे नंबर पर श्रेयस अय्यर और सातवें नंबर पर ऋषभ पंत को चुना है। वहीं तेज गेंदबाजों के तौर पर उन्होंने मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को टीम में जगह दी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली का 1904 में उद्घाटन हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में स्थापना आज के दिन हुई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1978 में जेल से रिहा आज के दिन किया गया था। उड़ीसा की प्रमुख पार्टी बीजू जनता दल की 1997 में स्थापना वरिष्ठ राजनेता बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक ने आज के दिन की थी। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद उधम सिंह का जन्म 1899 में आज के दिन हुआ था। वैदिक परंपरा के प्रमुख बुद्धिजीवी रामस्वरूप का जन्म 1998 में आज के दिन हुआ था। मुगल सम्राट बाबर का निधन 1530 में आज के दिन हुआ था। भारत के नवे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का निधन 1999 में आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,280 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,550 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,900 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। व्हाट्सएप पर अगले साल आएंगे ये खास फीचर्स। कंपनी अपने कई सारे फीचर्स पर काम कर रही है, जिन्हें नए साल में रोल आउट व्हाट्सएप कर सकती है, जिसके तहत व्हाट्सएप आपके चैटिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अगले साल से प्लेटफॉर्म कर कस्टम वॉलपेपर और चैट थीम जोड़ने वाली है। व्हाट्सएप भी अपने यूजर को ऑटो डिलीट अकाउंट फीचर का सपोर्ट देने की तैयारी कर रही है, जिसे 2022 में जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी उम्मीद है कि डिलीट मैसेज को नए साल में अपडेट किया जाएगा। अब तक सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो व्हाट्सएप यूजर को प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम रील का टैब मिल सकता है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुंदन साजवान, मनीष मोहरा, पंकज कुमार, रोहित कुमार, गौतम कुमार, रवि कुमार, मनीष सिंह, विकी कुमार, दिव्यांशु कुमारी, संजीत कुमार, प्रदीप पाठक, मुन्ना कुमार, पंकज कुमार, रूपेश कुमार, बंटी सिंह, रामचंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सीएम नीतीश के समाज सुधार अभियान से बिहार में कोई लाभ होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।